दोस्तों आईपीएल 2023 से पहले केकेआर की जो टीम है उनके सामने काफी सारे सवाल बन चुके हैं कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर। इस वीडियो में हम श्रेयस अय्यर के रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, जहां पर एज अ प्लेयर कौन सा प्लेयर उन्हें रिप्लेस कर सकता है, एज अ कैप्टन कौन सा प्लेयर उन्हें रिप्लेस कर सकता है, और स्क्वाड में केकेआर की टीम में एज अ रिप्लेसमेंट कौन सा प्लेयर जो है वो आ सकता है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और आपके हिसाब से श्रेयस अय्यर का बेस्ट रिप्लेसमेंट कौन सा होने वाला है कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। दोस्तों इस समय एक टीम जिनके लिए बहुत ही ज्यादा सवाल बने हुए हैं, बहुत ही ज्यादा चिंताओं में हैं, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, खासकर अपने कैप्टन श्रेयस अय्यर को लेकर, क्योंकि जब से दोस्तों बैक पेन का इश्यू उन्हें हुआ है तब से यहां पर केकेआर की टीम काफी बड़े बड़े सवालों में जो है वो घिर चुकी है। क्या केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर आईपीएल 2023 में अवेलेबल रहेंगे, कितने मैचों से वो बाहर होंगे, ऐसे कई सारे सवाल केकेआर के सामने जो है वो बन चुके हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर की जो बैक पेन की इश्यू है वो काफी भी है, और जब भी उनको बैक में पेन होता है तो वो एक दो महीनों के लिए आराम से जो है क्रिकेट से बाहर चल जाते हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं, रिहैब होता है उनका, और इसीलिए केकेआर के फैंस के सामने ये डर जो है वो बना हुआ है। यहां पर दोस्तों अगर श्रेयस अय्यर बाहर होते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट भी टीम को जो है वो ढूंढना होगा, और एक नहीं तीन तरह के रिप्लेसमेंट ढूंढने होंगे। सबसे पहले की बात करते हैं तो एज अ कैप्टन कौन सा प्लेयर इन्हें रिप्लेस करेगा, ऑप्शन ज्यादा है नहीं केकेआर की टीम के पास। कॉर्नर में अगर बात करें तो बेस्ट हमें नजर आते हैं शाकिब अल हसन, जो कि T20 में बांग्लादेश के कप्तान है, और अभी बांग्लादेश की टीम ने इंग्लैंड को T20 सीरीज जो है वो हराई है। तो फॉरनर में दोस्तों साकिब अल हसन ही हमें नजर आते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है दोस्तों कि सुनील नरेन को कप्तान बनाना चाहिए, तो आपको बता दें कि अभी दोस्तों केकेआर की जो टीम इंटरनेशनल T20 लीग खेल रही थी यानी कि ADKR, उसकी कप्तानी कर रहे थे, 10 में से 8 मैचेस हारी थी ADKR, सिर्फ एक मुकाबला जीत पाई थी। तो नरेन का नाम तो आप लिस्ट में से हटा ही दीजिए। वहीं दोस्तों इंडियन की अब बात करें तो यहां पर इंडियन में जो बेस्ट विकल्प है वो है नीतीश राणा। नीतीश राणा दोस्तों एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, जो कि कंफर्म प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे, मिडल ऑर्डर संभालेंगे, और यहां पर दोस्तों एज अ कैप्टन भी डोमेस्टिक में उनका अच्छा खासा सीजन जो है वो जाता है, और इसीलिए नीतीश राणा एक अच्छा ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं, और हमारे ख्याल से तो बेस्ट ऑप्शन है नीतीश राणा कि इंडियन प्लेयर ही कप्तानी करता हुआ जो है वो नजर आए। अब बात करें दोस्तों प्लेइंग 11 में रिप्लेसमेंट की, यानी कौन सा प्लेयर है जो कि प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर की जगह नजर आ सकता है, तो यहां पर दोस्तों इंडियन में एक आध ऑप्शन हमें जो है वो नजर आते हैं। सबसे पहला एन जगदीशन का, 80 लाख रुपए में ये टीम इन्हें लेकर आई है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, जो कि हमने डोमेस्टिक में भी देखा, उसके बाद केकेआर के प्रैक्टिस मैच में भी देखा, और ऐसे में दोस्तों हर एक मुकाबला ये खेलते हुए हमें नजर आ सकते हैं अगर श्रेयस अय्यर जो है वो रहते हैं बाहर। नंबर 3 पर दोस्तों ये खेल सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि विकेट कीपर है, यानी कि विकेट कीपर बैट्समैन का रोल जो है वो करेंगे अदा। इसके अलावा दोस्तों एक और नाम नजर आता है मनदीप सिंह का, जो कि एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, आईपीएल का भी एक्सपीरियंस है इन्हें, प्रैक्टिस में भी ये भी अच्छे फॉर्म में हमें जो है वो नजर आए हैं। नंबर 3 पर खिला लीजिए आप, नंबर 4 पर खिला लीजिए या ओपन करा लीजिए, मनदीप सिंह हर जगह अपने आप को फिट जो है वो कर लेते हैं। तो ये 2 प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं जो कि एज अ प्लेयर प्लेइंग 11 में रिप्लेस कर सकते हैं श्रेयस अय्यर को। अब बात करते हैं कि स्क्वाड में कौन सा प्लेयर इन्हें रिप्लेस जो है वो कर सकता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही कम चांसेस है, रेयर चांसेस है कि यहां पर श्रेयस अय्यर का रिप्लेसमेंट ये टीम अनाउंस करे। अगर ये पूरे सीजन से भी बाहर होता है तब भी शायद केकेआर की टीम इनका रिप्लेसमेंट जो है वो अनाउंस ना करे, जहां तक हमें लगता है। फिर भी अगर ये टीम रिप्लेसमेंट अनाउंस करना चाहती है तो कुछ ऑप्शन हमें बाहर जो है वो मिल जाते हैं, जिनमें हम प्रियम गर्ग का नाम रख सकते हैं, जे सुचित का नाम रख सकते हैं, इसके अलावा मोहम्मद अजरुद्दीन का नाम रख सकते हैं, और बेस्ट ऑप्शन अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो वो है केदार जाधव। जी हां दोस्तों, केदार जाधव भी एज अ रिप्लेसमेंट एक ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं, लेकिन हम पहले ही आपको बता रहे हैं बहुत ही रेयर चांसेस हैं, एकदम 1% 2% आप चांसेस मान लीजिए कि ये टीम श्रेयस अय्यर का रिप्लेसमेंट जो है वो बुलाए। तो दोस्तों यहां पर हमने बात करी श्रेयस अय्यर के रिप्लेसमेंट की एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन। आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, वहां पर आपको काफी सारी अपडेट्स जो है वो मिलती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।